अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट आई है जनाब कमेंट्स में, बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। और क्वेश्चन आपको पता है क्या है कि क्या बहरी जहाज पर आसमानी बिजली गिरती है, और अगर गिरती है तो होता क्या है? सीम्स इंटरेस्टिंग राइट? जानना चाहते हैं आप लोग, तो लेट्स स्टार्ट। तो जनाब आसमानी बिजली गिरने के असूल को समझने के लिए हमें दो तीन चीजें समझना पहले बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आसमानी बिजली कभी भी उस चीज पर नहीं गिरती जो कि कंडक्टर नहीं होती। आसमानी बिजली कभी किसी कार पर नहीं गिर सकती, कभी किसी हवाई जहाज पर नहीं गिर सकती। तो आप आज तक जो व्हाट्सएप पे और मैसेजेस में सुनते आ रहे हैं ना, कार में 10 बंदे बैठे बिजली गिरी मर गए, फॉल्स, इट कैन नॉट बी ट्रू, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कार के पास जमीन पे कहीं बिजली गिरे, उसकी वजह से कार उलट जाए, उसको नुकसान हो जाए, उसकी वजह से लोग मर जाएं, तो चीज़ समझ में आती है। लेकिन कार के बजाते खुद इटसेल्फ उसके ऊपर बिजली नहीं गिर सकती, क्योंकि गाड़ी के बहुत बड़े बड़े टायर्स होते हैं जो कि गाड़ी को ज़मीन से ऊपर रखते हैं, सो इट कैन नॉट हैपन। सेम इज़ विद द एरोप्लेन्स, के हवाई जहाज़ जो हैं जब वो हवा में उड़ रहे होते हैं, आसमानी बिजली कहीं गिर रही हो और वो उसके बीच में आ जाएँ वो अलग बात है, वो खड़े हुए हों पास आसमानी बिजली गिर जाए अलग बात है, लेकिन उनके ऊपर डायरेक्टली आसमानी बिजली नहीं गिर सकती। घरों के ऊपर आसमानी बिजली गिर सकती है, इंसानों के ऊपर आसमानी बिजली गिर सकती है, दरख्तों के ऊपर आसमानी बिजली गिर सकती है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर कंडक्टर्स। सेम इज ट्रू फॉर अ वेसल, जहाज के लिए भी एग्जैक्टली यही असूल कारामद होता है। हमारा जहाज आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इट इज कम्प्लीटली बिल्ट ऑफ स्टील, ये पूरा का पूरा लोहे से बना हुआ है। लोहा इज अ गुड कंडक्टर। उसके बाद जहाज तैर कर रहा है जनाब, जहाज तैर रहा है समंदर में, खुले समंदर में, और समंदर में होता है सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर की कंडक्टिविटी बहुत उम्दा होती है, बहुत अच्छी होती है। अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपने साइंस में एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे कि आपने सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक पानी में डाला और पानी की कंडक्टिविटी बढ़ गई। इट इज़ सेम ओवर हेयर, पानी के अंदर क्लोराइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इट हैज़ अ वेरी हाई कंडक्टिविटी। तो जहाज पानी में है, पानी ज़मीन पे है, ऑल ऑफ देम आर कंडक्टर्स, सो यस आसमानी बिजली जहाज के ऊपर गिर सकती है। लेकिन आसमानी बिजली का असूल है क्या? आसमानी बिजली जहाँ पर मर्जी गिरे वो हमेशा उस तरफ फ्लो करेगी जहाँ पे करंट की नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि योर अर्थ। जहाज़ के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है, जैसे दरख्त पे बिजली गिरती है, आपके घरों के ऊपर बिजली गिरती है, तो वो वहाँ नहीं रहती अगर आपके घर के ऊपर अर्थिंग दी हुई है। तो अगर अर्थिंग आपके घर में नहीं है तो फिर घर तबाह हो जाएगा, दैट इज़ अनदर स्टोरी। बहरहाल तो बेसिकली होता क्या है कि आसमानी बिजली जब भी गिरती है, इट फ्लोज फ्रॉम द वेसल इन टू द वाटर एंड इन टू द अर्थ, जस्ट लाइक जब वो एक किसी घर के ऊपर गिरे जिसपे अर्थिंग दी हुई हो, टॉप पे गिरेगी, बॉटम में जाके जमीन में जज्ब हो जाएगी और जमीन में जाके डिसिपिएट हो जाएगी। इट इज़ द सेम थिंग ओवर हेयर, एक्सेप्ट कि उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा जहाँ पे वो आसमानी बिजली गिरेगी वहाँ पे डैमेज होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे जहाज पे एक पीछे मास्ट है, एक आगे मास्ट है, दरमियान में मास्टराइजर दिए हुए, क्रेन्स है, दीज आर द हाई पॉइंट्स। आपका जो कंडक्टर होता है उसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, बिजली उसके ऊपर जाके स्ट्राइक करती है। तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आसमानी बिजली जब जहाज़ के ऊपर गिरेगी तो फनल, आपका पिछला मास्ट, अगला मास्ट, क्रेन्स, मास्टराइजर, इनमें से किसी के ऊपर गिरेगी, बिकॉज दे आर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेसल। उसके बाद ये फ्लो करेगी बाकी जगहों पर। लेकिन होगा क्या कि जहाँ पर ये गिरती है वहाँ पर ये डैमेज कर सकती है। यूजुअली इट इज़ नॉट दैट डिस्ट्रक्टिव, आपको डैमेजेस होते ज़रूर हैं लेकिन आप उनको रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सटेंसिव डैमेज हो भी जाए तो आप उसको शिपयार्ड में रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जहाज़ के ऊपर एक जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे अगर बिजली गिरे तो इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डैमेजेस, पूरा का पूरा जहाज़ उसकी वजह से तबाह हो सकता है, एंड दैट प्लेस इज मास्टराइजर। क्योंकि जहाज़ का मास्टराइजर वो जगह होती है कि जहाँ से हम अपने कार्गो के वेपर्स, आर वेसल इज़ अ क्रूड ऑयल टैंकर, रिमेंबर, हम क्रूड ऑयल लोड करते हैं, कंडेंसेट लोड करते हैं, फ्यूल ऑयल लोड करते हैं, सबके वेपर्स होते हैं। तो जहाज़ का मास्टराइजर वो जगह है जहाँ से वो सारे के सारे वेपर्स एग्जिट कर रहे होते हैं जब आप लोडिंग कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये आपके जहाज़ का एक ब्लॉक पॉइंट होता है जहाँ पे आपने सारे के सारे वेपर्स को रोका हुआ है, आप उनको निकलने नहीं दे रहे इनकेस आपने इसको बंद किया हुआ। तो जब आसमानी बिजली इस पर गिरेगी, इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी और इसको तोड़ेगी, तो अगर वेपर्स निकल रहे हैं ऑलरेडी तो ऑब्वियसली यू हैव ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ चांसेस कि वहाँ पर आग लग जाएगी। इनकेस आपने इसको बंद रखा हुआ है, आसमानी बिजली गिरेगी तो फिर भी चांसेस ये हैं कि जब ये टूटेगा एकदम वेपर्स निकलेंगे, और डेक पे अगर कहीं भी आग लगी हुई तो द फर्स्ट प्लेस दैट विल कैच फायर इज फ्रॉम वेयर द वेपर्स आर कमिंग आउट। और जब जहाज़ के ऊपर आग लग गई तो पूरा का पूरा जहाज़ आगे से पीछे हाइड्रोकार्बन मटीरियल्स और कार्बोनेशियस मटीरियल से फिल्ड अप है। हाइड्रोकार्बन मटीरियल्स सबसे पहले आग पकड़ते हैं, कार्बोनेशियस मटीरियल्स उसके बाद आग पकड़ते हैं।
अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं कि व्हाट आर दी हाइड्रोकार्बन मटेरियल्स एंड व्हाट आर दी कार्बोनेशियस मटेरियल्स, तो वो तमाम के तमाम मटेरियल्स जो कि तेल से किसी भी तरह से रिलेटेड हैं, फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल, वेपर्स, क्रूड ऑयल, कंडेंसेट, दे आर ऑल हाइड्रोकार्बन मटेरियल्स। वो तमाम के तमाम मटेरियल्स जो कि किसी भी वजह से आग पकड़ सकते हैं, प्लास्टिक, लकड़ी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर कार्बोनेशियस मटेरियल्स। सब के सब पॉलीकार्बोनेट से, वुड से, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। ऑल ऑफ देम कैन कैच फायर, तो दिस फायर कैन स्प्रेड वेरी रैपिडली। नॉर्मली अगर वहाँ पे आग लग भी जाए, यू स्टिल हैव गॉट थिंग्स कि आप उसको कंट्रोल कर सकें, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कंट्रोल में आ जाती है। ऑल दो इट स्टिल कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, और इतने ज़्यादा डैमेजेस होते हैं कि शायद आपके जहाज को शिपयार्ड में जाना पड़े, ड्राई डॉक में जाना पड़े, बट स्टिल यू कैन सेव योर वेसल। लेकिन अगर वो आग ज़्यादा जोर पकड़ गई, तो देन इट इज नॉट पॉसिबल। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट, देर वॉज वन शिप, इट वॉज फ्रॉम अनदर कंपनी, और हम लोग जा रहे थे नोवोरोसियस्क इन रशिया। टर्मिनल पे खड़ा हुआ था, लोडिंग कर रहा था, मास्टराइजर से उसके वेपर्स निकल रहे थे, लाइटनिंग स्ट्रक, जहाज काफ़ी डैमेज हुआ, बच गया, लेकिन टर्मिनल भी डैमेज हो गया, और वो टर्मिनल फिर उसके बाद अगले 1-1.5 महीने के लिए बंद हो गया, और जहाज़ को शिपयार्ड में जाना पड़ा। तो बेचारे का पूरा डेक दरमियान में से फटा हुआ था। सो इट कैन बी वेरी डेंजरस, माइंड यू, इट कैन बी वेरी डेंजरस अगर आपका क्रू प्रॉपरली ट्रेन नहीं है। अगर आपके क्रू को नहीं पता कि जब लाइटनिंग हो रही होती है, जब बिजली चमक रही होती है, तो आपने क्या करना है, तो इट कैन बी डेंजरस। लेकिन वो जहाज जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स नहीं है, ऑयल टैंकर्स नहीं है, LNG, LPG कैरियर्स नहीं है, ऑल दो दीज ऑल वेसल्स आर ऑल्सो बिल्ड विद क्वाइट अ लॉट ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस, लेकिन जो इसके इनके अलावा जो जहाज है ना, उनके ऊपर इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता, क्योंकि उन पर ना तो ऑयल होता है, और ऑयल सबसे पहली वो चीज़ है जिसने आग पकड़नी है। तो जब ऑयल होता ही नहीं है उनके ऊपर, तो डेक फट भी जाएगा, कुछ हो भी जाएगा, तो ज़्यादा उनको नुकसान नहीं होता। बट दीज वेसल्स, LNG कैरियर्स, LPG कैरियर्स, क्रूड ऑयल टैंकर्स, फ्यूल ऑयल टैंकर्स, इवन द केमिकल टैंकर्स, दे आर मोर एट रिस्क। इट वॉज अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इट रियली कॉट माई आई, जब एक लड़के ने एक वीडियो के ऊपर कमेंट किया कि जनाब अगर बहरी जहाज पर बिजली गिरी है तो होता क्या है, तो आई थॉट कि यार व्हाई नॉट टू टेल एवरीवन कि असल में होता क्या। सो इट कैन बी वेरी डेवेस्टेटिंग, यूजुअली इट्स नॉट, एंड यूजुअली वी आर वेल ट्रेन टू हैंडल दिस। ऐसी कई दो चार चीज़ें मैंने देखी भी हैं, एंड आमतौर पर चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। So anyway, that was pretty much today's video. I hope you must have enjoyed it. If you did, consider liking, consider sharing, consider subscribing. So, janab, apna bahut khayal rakhiyega, duaon mein yaad rakhiyega. With tons of love to my digital family and to be digital family, take very good care of yourself. This is Orange Shorts. I am Zahid. Allah Hafiz.